मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एपीडा बोर्ड ने इस मामले में दर्ज अपनी आपत्ति को वापस ले लिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की शान शरबती गेहूं को भी जीआई टैग दिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नई दिल्ली में संपन्न हुई एपीडा बोर्ड की बैठक मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रही। एपीडा डायरेक्टर चेतन सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं को भी जीआई टैग देने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर कृषि मंत्रालय भेज दिया गया है। प्रदेश के बासमती चावल और शरबती गेहूं को जीआई टैग मिल जाने से अब किसानों को अपनी उपज के पहले से बेहतर दाम मिल सकेंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में कड़कनाथ मुर्गे के पालन को एपीडा ने अपने हाथ में ले लिया है। इन क्षेत्रों में महिलाओं की समितियों द्वारा कड़कनाथ का पालन करने पर चारा, बीज और सब्सिडी सहित अनेक सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं उज्जैन में संतरे की खेती को लेकर एपीडा ने दिलचस्पी दिखाई है। देश की राजधानी दिल्ली में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के एपीडा बोर्ड की बैठक आज संपन्न हुई और मध्य प्रदेश के लिए आज की बोर्ड की बैठक का जो दिन है वो ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं का जो उत्पादन हमारे किसान बंधु करते थे उस गेहूं को मध्य प्रदेश के जीआई टैग देने की जो हमने बोर्ड में मांग रखी उसको बोर्ड ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को स्वीकृत करके पारित कर दिया। मुझे लगता है कि एक आध महीने में इसके आदेश जारी हो जाएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के किसानों की बासमती को लेकर के जो जीआई टैग की लड़ाई लंबे समय से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री वहीं हमारे अपने कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी के नेतृत्व में हम सड़क से लेकर के कोर्ट तक लड़ रहे थे, उसको भी आज एपीडा बोर्ड ने इस बात के साथ सशर्त सहमति दी है कि अब हम हमारी जो आपत्ति है उसको हम वापस ले लेते हैं। साथ ही साथ इसका प्रस्ताव कृषि मंत्रालय को भेज दिया कि क्षेत्र विस्तार की वृद्धि करके इस प्रस्ताव को सहमति के साथ बोर्ड को पुनः वापस कर दें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खुला है उसमें भी स्टाफ की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश का एकमात्र इकलौता जो झाबुआ का हमारा कड़कनाथ मुर्गा है उसके प्रमोशन के लिए, उसके उत्पादन के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए एक नया क्लस्टर बना करके एक नई कार्य पद्धति के साथ एक नए क्रियान्वयन के साथ उसको सर से स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही साथ इस बात का भी इस सहमति के साथ उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में जो भी हमारे SC ST बंधु काम करते हैं वो खासतौर से महिलाएं इनके कड़कनाथ के उत्पादन में जहाँ जहाँ काम करती हैं इन सबको प्रमोशन देने के लिए अपने स्तर पर अब बोर्ड हमारा उसकी पहल भी करेगा। उसके सारे रख रखाव की जो आवश्यक जरूरतें हैं, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने की जो जरूरतें हैं उसको भी हम सब पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग इस क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं या करना चाहते हैं अगर आवश्यक हुआ तो वित्तीय सहायता दे करके वित्त पोषक के रूप में भी एपीडा का विभाग हमारा काम करेगा। मुझे लगता है कि आज का दिन इस बोर्ड में मध्य प्रदेश को ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर के आया।